फ्लिपकार्ट में चल रहे बिग सेविंग डे सेल, और अगर आप लोग इस टाइम पे एक स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं और आपका बजट है 15,000 और 15,000 के अंदर काफी सारे फोन आते हैं, इसलिए ना कभी कभार हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा फोन खरीदे कौन सा फोन ना खरीदे, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, गूगल में। तो आज मैं एक छोटा सा लिस्ट यहाँ पे मैं बनाया है जहाँ पे मैं कुछ फोन के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो मैं हर एक फोन का स्पेसिफिकेशन और बाकी सारी चीजें देख के इस लिस्ट को मैंने बनाया है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और उसके बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 4G फोन के भी बारे में बात करूंगा, कुछ 5G फोन के भी बारे में बात करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, आप लोग अपने हिसाब से कौन सा आप लोगों को बेहतर लगता है उस फोन को आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम में। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे कोई फोन के बारे में नहीं बताऊंगा जिसका प्राइस 18,000 19,000 और उसको डिस्काउंट लगा के वो 15,000 के आसपास आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस ही बताऊंगा हर एक फोन का और बाकी उसको डिस्काउंट बैंक ऑफर ये सब लगा के उसको और भी कम प्राइस में आप खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को उतना लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जिस फोन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस फोन का नाम है मोटोरोला की तरफ से मोटो G52। इस फोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, 6.6 इंच के साथ आपको पी ओएलईडी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है और बेजललेस विच पंच होल डिस्प्ले रहेगा और साथ में यहाँ पे आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे फोन्स हैं जिसका प्राइस 18,000 19,000, उनमें 90Hz 60Hz देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 11,000 के अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ इस फोन का, तो यहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन 680 आपको प्रोसेसर मिल जाता है 4GB रैम के साथ, और इसके वजह से यहाँ पे आप लोग हेवी गेमिंग हेवी टास्क नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल यूजेस के लिए आप लोग लेते हैं, नॉर्मल कामों के लिए आप लेते हैं, तो ये फोन अटकेगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और रियर कैमरा में 50MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको दिया जाएगा और 8MP का आपको यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा दी जाएगी और साथ में 2MP का मैक्रो शूटर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके मदद से आप लोग दिन में अच्छी क्वालिटी का फोटो खींच सकते हैं और रात में भी अच्छी क्वालिटी का फोटो आप लोग खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 4K रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन फुल HD के साथ 30fps के साथ आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफी बेस्ट है। और फ्रंट कैमरा में यहाँ पे आप लोगों को 60MP का फ्रंट कैमरा दी जाएगी, जिसके मदद से आप लोग दिन में अच्छी क्वालिटी का फोटो खींच सकते हैं। अगर मैं नाइट की बात करूँ, थोड़ा सा आपको निराश करेगा इसका फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा से आप लोग फुल HD में 30fps के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बैटरी काफी अच्छी दी जाएगी, आप लोगों को 5000mAh की बैटरी दी जाएगी 30W फास्ट चार्जिंग के साथ, और यहाँ पे आप लोगों को 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा जो कि 1TB तक एक्सपेंडेबल है। तो ये फोन आप लोगों को 11,000 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 11,000 के अंदर आप इस फोन को खरीद सकते हैं इस टाइम पे। और बाकी अगर आप लोग यहाँ पे कार्ड वगैरह ऐड करते हैं डिस्काउंट लगा के, इस फोन का और भी कम प्राइस में खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं जिस फोन के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है Realme Narzo 50, तो आप लोग इस फोन को भी ले सकते हैं। फोन 6.6 इंच के साथ आपको LCD डिस्प्ले आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, जो कि आज के टाइम पे 20-22,000 के फोन में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को बेजललेस विच पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को MediaTek Dimensity G96 मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे भी गेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कैमरा में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे आप लोगों को 50MP का प्राइमरी कैमरा दी जाएगी और साथ में यहाँ पे 2MP का मैक्रो शूटर, 2MP का डेप्थ कैमरा, LED फ्लैश दिया जाएगा और फुल HD में 30fps के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं, तो यहाँ पे आप लोगों को 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जिसके मदद से आप लोग दिन में अच्छी क्वालिटी का फोटो खींच सकते हैं, लेकिन रात में आप लोगों को यहाँ पे उतना डिटेल नहीं मिलेगा, ठीक है, दिन की तरह। और इस फोन में भी आप लोगों को बैटरी अच्छा मिल जाएगा, 5000mAh के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, USB Type-C पोर्ट रहेगा और फोन में आप लोगों को 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो कि 256GB तक एक्सपेंडेबल है। तो ये फोन भी आप लोग 11,500-12,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो 5G फोन्स लेना चाहता है लेकिन उनका बजट है 15,000, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को 5G फोन चाहिए और आपका बजट है 15,000, तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले और कैमरा में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। फिर भी मैं आप लोगों को 15,000 के अंदर एक ऐसे फोन के बारे में बताऊंगा जो फोन बाकी फोन से बेस्ट है। यहाँ पे मैं जिस फोन को सिलेक्ट किया है वो है सैमसंग F23 5G। यहाँ पे अगर मैं इस फोन की डिस्प्ले की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच के साथ बेजललेस नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट
देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी, ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। और हम लोगों को जैसे कि पता है कि सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो काफी बेहतर होता ही है, तो यहाँ पे सैमसंग के वजह से आप लोगों को डिस्प्ले जो भी यहाँ पे मिल रहा है ना, आप लोगों को बेहतर ही रहेगा बाकी फोन के कंपैरिजन में, जो कि 15,000 के अंदर आते हैं। अगर मैं इस फोन की कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे रियर में 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया जाएगा और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मैक्रो शूटर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों इस फोन की मदद से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा पे यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल दिया जा रहा है, जो कि सैमसंग की 8 मेगापिक्सल है, ये काफी बेहतर होगा। दिन में भी अच्छी फोटो खींच सकते हैं और रात में भी अच्छी फोटो आप लोग ले सकते हैं, और इस फ्रंट कैमरा से आप लोग 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल एचडी में। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G आपको मिल जाता है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हैं और अच्छी खासी हेवी टास्क भी आप लोग इस फोन के मदद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फोन अटकेगा नहीं। बैटरी में भी आप लोगों को तगड़ी बैटरी दी जा रही है, 5000 mAh के साथ 25W के साथ आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे आप लोगों को 128GB मिल जाएगा, जो कि 1TB तक एक्सपेंडेबल है। अगर मैं इस फोन की प्राइस रेंज की बात करूँ, 14,000 के अंदर ये फोन आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, और बाकी बैंक ऑफर्स डिस्काउंट लगा के इस फोन का और भी कम प्राइस में खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को 4G में कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले जिन दो फोन के बारे में बताया तो उन फोन का फीचर्स काफी अच्छी है, और अगर आप लोगों को 5G लेना है तो आप बाकी फोन ना देख के इस फोन को आप लोग एक बार में खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी, थैंक यू।